तो फ्रेंड्स आज तारीख हो चुकी है 8 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा आखिर आज आईपीएल को लेकर कौन सी 8 बड़ी खबरें, कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बी क्रिक की, जो कि दूसरी वेबसाइट और फैंटेसी ऐप से पूरी तरह से हटकर है, जिसके अंदर कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो आपके हमेशा जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। आप इस ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको फ्री के 100 रुपये मिल जाएंगे। डिपॉजिट और विड्रॉल भी इस ऐप के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। साथ ही आपको एक्सचेंज स्पोर्ट्स ऑफर करती है, जिसके अंदर ये हाई ऑड्स आपको यहाँ देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप काफ़ी जल्दी काफ़ी कम टाइम के अंदर प्राइस मनी जीत सकते हो। इसके इंडोर्समेंट मैट प्रायर करते हैं, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं इंग्लैंड के, तो पूरी तरह से सेफ है। 50 रुपये आपको नीचे दिए गए लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स नीचे आपको बी क्रिक का रजिस्ट्रेशन ऐप दिया गया है, जल्दी से जाकर आप रजिस्टर करें और 150 रुपीज़ पाएं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आखिर आज आईपीएल को लेकर कौन सी 8 बड़ी खबरें निकल कर रही है। जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। दरअसल बीसीसीआई की तरफ से और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से यहाँ पर आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर कल रात एक बड़ी खबर निकल रही थी। उस खबर के अकॉर्डिंग अब वीवो, जो कि एक समय में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर हुआ करता था, पिछले साल अचानक से वीवो ने अपने आप को आईपीएल से दूर किया था, वो वीवो अब आईपीएल से हमेशा के लिए दूर हो चुका है। वीवो ने यहाँ पर बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के साथ अब सभी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए। अब वीवो कभी भी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर नहीं बनेगा और वीवो और आईपीएल के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो समाप्त हो चुके हैं। यानी इस साल अब वीवो के आईपीएल में एंट्री होने के चांसेस 0 हो चुके हैं। या तो एक बार फिर से अब ड्रीम इलेवन हमें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर दिखेगा या फिर अब अनअकैडमी भी यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर बन सकता है। ओवरऑल अब नीलामी समाप्त हो जाने के बाद यहाँ पर आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए एक बार फिर से बीसीसीआई यहाँ पर टेंडर ओपन करेगा। उस टेंडर में काफ़ी अधिक कंपनीज अपने नाम रजिस्टर्ड करवाएगी, नाम सबमिट करेगी, तो इस साल एक बार फिर से हमें नया टाइटल स्पॉन्सर बनता हुआ दिख सकता है। हो सकता है ड्रीम इलेवन एक बार फिर से टाइटल स्पॉन्सर बन जाए, हो सकता है बायजूस टाइटल स्पॉन्सर बन जाए, हो सकता है अनअकैडमी टाइटल स्पॉन्सर बन जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इंडियन कंपनी को बनना चाहिए या फिर विदेशी कंपनी को बनना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है हरभजन सिंह की तरफ से। दरअसल हरभजन सिंह ने अब ऑक्शन से पहले आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी है, जहां पर इस ऑक्शन के लिए हरभजन सिंह ने अपनी 2 करोड़ बेस प्राइस सेट करी, काफी हाई बेस प्राइस सेट करी है। और पिछले 8-10 महीने से हरभजन सिंह ने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली है। दुबई में जब आईपीएल हुआ था तब इन्होंने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था, इसी वजह से अब ऑक्शन से पहले हरभजन सिंह ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके पीछे कुछ ऐसे भी हिंट बताए जा रहे कि एमआई की टीम ने कंफर्म कर दिया है कि एमआई की टीम ऑक्शन में इन पर बिडिंग करेगी, इनको टारगेट करेगी। हो सकता है हैदराबाद की टीम भी इन पर बिडिंग करे, तो हरभजन सिंह का यहाँ पर ऑक्शन से पहले बिकना तय दिख रहा है। इसी वजह से ये यहाँ पर आईपीएल की तैयारियों में लग चुके, आईपीएल से 2 महीने पहले ही अभी आईपीएल की तैयारियों में लग चुके। इसके बाद बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है रोड सेफ्टी टूर्नामेंट को लेकर। दरअसल पिछले साल हमने देखा था श्रीलंका के लेजेंड, इंडिया के लेजेंड और ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स के बीच यहाँ पर भारत में मुंबई में रोड सेफ्टी की एक टूर्नामेंट शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए कुछ मैचेस के बाद ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन अब हमारे सामने तारीखें आ चुकी है कि आखिर कौन सी तारीख से ये टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगी, कौन से वेन्यूज पर आखिर ये टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगी। तो कल कंफर्म हो चुका है 2 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच ये टूर्नामेंट चलेगा। कुल 18 से 19 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा। रायपुर में इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस कराए जाएंगे और एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान जैसे दिग्गज हमें
एक साथ खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अब यहाँ पर इंडियन और क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल कर रही है रोड सेफ्टी टूर्नामेंट को लेकर। अब अप्रूवल मिल चुका है, लगभग कुछ ही दिनों बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप इस टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यहाँ पर ऑक्शन से पहले अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी है, जहाँ पर इस टीम ने कन्फर्म कर दिया है, स्पेशली इस टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने कन्फर्म कर दिया है कि ये टीम ऑक्शन में विदेशी विकेट कीपर के पीछे जाएगी, क्योंकि एलेक्स केरी को ये टीम अपनी टीम से रिलीज कर चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने दो विकेट कीपर्स के साथ बातचीत करी है और इन दो में से किसी एक को ये टीम कन्फर्म रूप से परचेज करी है। अगर हम बात करें उन दो विकेट कीपर्स की तो इनमें नाम आता है बांग्लादेश के लिटन दास का और नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड का, जहाँ पर इस टीम के पास काफ़ी कम पर्स बैलेंस बचा है। इसी वजह से ये टीम लिटन दास को टारगेट करी है ताकि इनको बेस प्राइस पर मिल जाए, क्योंकि मैथ्यू वेड का T20 क्रिकेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसी वजह से इनको काफ़ी सारी टीमें टारगेट कर सकती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों में से आखिर कौन से विकेटकीपर बल्लेबाज को परचेस करेगी। इसके बाद बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। लेकिन पांचवी बड़ी खबर बताने से पहले आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बी क्रिक का लिंक मिलेगा। आप वहां पर जाकर जो 11 तारीख को साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच एक इंटरेस्टिंग मैच होगा उस मैच को खेल सकते हो। वहां पर आप एक्सचेंज स्पोर्ट्स पर या फिर नॉर्मल BTI पर इस मैच को खेल सकते हो और घर बैठे हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है उस लिंक से आप साइन अप करते हो तो 100 रुपए का बोनस मिलेगा और हमारी तरफ से आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन करने पर आपको 150 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन करें। इसके बाद बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है ऑक्शन के सर्वे को लेकर। दरअसल बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने यहाँ पर IPL ऑक्शन से पहले यहाँ पर ऑक्शन को लेकर एक बड़ा सर्वे किया। उस सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैंस ने 5 प्लेयर्स को वोट किया है, जो कि 5 प्लेयर्स इस ऑक्शन में काफ़ी एक्सपेंसिव बिकेंगे। अगर हम बात करें उन 5 प्लेयर्स की तो इनमें नाम आता है शाकिब अल हसन का, नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का, इसके साथ ही नाम आता है डेविड मिलान, नाम आता है काइल जेमिसन का और नाम आता है क्रिस मॉरिस का। फैंस के अकॉर्डिंग ये 5 प्लेयर्स इस ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव बिकेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से प्लेयर इस ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव बिकेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंडिया इंग्लैंड सीरीज को लेकर। दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया पहला मुकाबला हार चुकी है। ना सिर्फ ये मुकाबला हार चुकी है बल्कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को काफी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब टीम इंडिया के सामने जो 3 मैच बचे हैं उन 3 में से एटलीस्ट 2 मुकाबले टीम इंडिया को जीतने होंगे, तभी टीम इंडिया फाइनल में जगह बना पाएगी। यानी 2-2 से या फिर 2-1 से ही सीरीज जीतनी होगी तभी टीम इंडिया यहाँ पर 18 जून को होने वाले फाइनल में जगह बना पाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर टीम इंडिया अब ये सीरीज जीतकर फाइनल में जगह बना पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद जो 7वीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है बांग्लादेश के तेजी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की तरफ से। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान ने इस ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर करा दिया, काफी कम बेस प्राइस इन्होंने सेट करी है, लगभग 50-75 लाख इन्होंने बेस प्राइस सेट करी है। और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस IPL ऑक्शन में विदेशी तेज गेंदबाजों की कमी होने की वजह से यहाँ पर टीमें काइल जेमिसन, जे रिचर्डसन, क्रिस मॉरिस को टारगेट करेगी, लेकिन इस ऑक्शन में यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी कम प्राइस में टीमों को मिल सकते हैं और टीमें इनको 3-4 करोड़ के अंदर परचेस कर सकती है। और बांग्लादेश के लिए पिछले 2-3 सालों में सबसे अधिक इन्होंने विकेट लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बांग्लादेश के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी करी है, हर कंट्री में जाकर इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसी वजह से यहाँ पर टीमें इनको टारगेट कर सकती है। तो इस IPL ऑक्शन में अब यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी कम प्राइस में टीमों को मिल सकते हैं। हो सकता है MI की टीम इनको परचेस कर ले, हो सकता है RCB की टीम इनको परचेस कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम मुस्तफिजुर रहमान को परचेस करेगी। इसके बाद बात करते हैं 8वीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो 8वीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है IPL की ट्रेडिंग विंडो को लेकर।
दरअसल आज 10 फरवरी हो चुकी है और कल शाम 5 बजे तक ये ट्रेड विंडो क्लोज हो जाएगी। आज और कल दो दिन में हो सकता है हमें 4 से 5 ट्रेड्स देखने को मिल सकती है, और अगर आज और कल तक कोई भी ट्रेड नहीं होगी तो इस साल केवल 3 ही ट्रेड होगी, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब आने वाले एक दिन में हमें ट्रेड्स देखने को मिल सकती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर 11 फरवरी से पहले ट्रेड होगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।